फ्यूल टैंकर मालिकान की जानिब से हड़ताल खत्म करने का फैसला किए जाने के बाद भी हैदराबाद के पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें नजर आ रही है, क्योंकि खौफ और हरास की खरीदारी जारी है। कई पेट्रोल पंपों पर लोग टैंक भरने के लिए तकरीबन एक घंटे तक लाइन में खड़े हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। ट्रांसपोर्टरों ने मंगल की रात को अपनी हड़ताल उस वक्त खत्म कर दी जब मरकज ने उन्हें नए जाब्ता फौजदारी के तहत हिट एंड रन के मामलात में बढ़ती सजा को लागू करने से पहले बातचीत की यकीन दहानी कराई। भारतीय न्याय संहिता के तहत नव आबादियाती दौर के इंडियन पैनल कोड की जगह लेकर लापरवाही से गाड़ी चलाकर और पुलिस या इंतजामिया के एहलकारों को बताए बगैर भागने वाले ड्राइवर को 10 साल कैद या 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC के नुमाइंदों ने मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भला से मुलाकात की, जिन्होंने वाजे किया के नए कानून के दफात को अभी तक मुताला नहीं किया गया है और उस पर अमल आरी से कबल बातचीत का यकीन दिलाया है। एहतजाज खत्म होने के बावजूद ईंधन की खरीद फरोख्त जारी है, जिसकी वजह से हैदराबाद के पेट्रोल बंक्स पर लंबी कतारें लग गई है। हैदराबाद के कुछ पेट्रोल पंप्स खुश्क हो गए हैं। घबराहट की खरीदारी के दरमियान शहर के कुछ पेट्रोल बंक्स खुश्क हो गए हैं। वो नो पेट्रोल के बोर्ड लगाते रहे हैं। पेट्रोल पंप्स पर रश की वजह से कुछ मुलाजमीन ने या तो छुट्टी ले ली है या घर से काम करने का इंतखाब किया है। हालांकि हैदराबाद के पेट्रोल बंक्स पर लंबी कतारें बरकरार है, ताहम आज हालात मामूल पर आने की उम्मीद है। Thank you.